चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दिलीप कुमार साहब की साल 1951 से लेकर साल 1955 की सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि दिलीप कुमार साहब ने साल 1951 से लेकर साल 1955 तक कितनी फिल्मों में काम किया था, कितनी हिट गई थी, कितनी फ्लॉप। दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी दिलीप कुमार को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें। इनकी सबसे पहली फिल्म आई थी साल 1951 में, फिल्म का नाम था तराना। ये मूवी साल 1951 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि तराना मूवी का बजट 20 से 25 लाख रुपए के बीच में था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 75 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 1,05,000 रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1951 में, फिल्म का नाम था हलचल। ये मूवी साल 1951 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, कुमकुम भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि हलचल मूवी का बजट 50 लाख रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 35 लाख रुपए कमाई थी। वही इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 50 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1951 में, फिल्म का नाम था दीदार। ये मूवी साल 1951 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार, नूतन और इसमें अशोक कुमार भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 25 लाख रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 2 लाख रुपए और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। 1952 में इनकी फिल्म आई थी संग दिल। ये मूवी साल 1952 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट जो है वो पता नहीं चल पाया। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 35 से 30 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 50 लाख रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1952 में, फिल्म का नाम था दाग। ये मूवी साल 1952 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, नूतन भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें दाग मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 20 से 25 लाख रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 65 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 1,05,000 रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में, फिल्म का नाम था आन। ये मूवी साल 1992 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें आन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.5 लाख रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी। 1953 में इनकी फिल्म आई थी शिकस्त। ये मूवी साल 1953 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि इस फिल्म का बजट 22 लाख रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम
₹1,00,000 कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए ₹1,50,000 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1953 में, फिल्म का नाम था चंदी रानी। ये मूवी साल 1953 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 20 से 21 लाख रुपए के बीच में था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 25 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 30 लाख रुपए। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1953 में, फिल्म का नाम था फुटपाथ। ये मूवी साल 1953 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 20 से 25 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 50 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 1 लाख रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1954 में, फिल्म का नाम था अमर। ये मूवी साल 1954 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें अमर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 24 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 65 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 1 करोड़ रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1955 में, फिल्म का नाम था आजाद। ये मूवी साल 1955 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, कुमकुम भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें आजाद मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 25 से 30 लाख रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर के ग्रोस कलेक्शन हुए 1.5 करोड़ रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1955 में, फिल्म का नाम था उड़न खटोला। ये मूवी साल 1955 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 15 से 20 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 85 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 1 करोड़ रुपए और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1955 में, फिल्म का नाम था इंसानियत। ये मूवी साल 1955 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इंसानियत मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 25 से 27 लाख रुपए के बीच में था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 55 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 85 लाख रुपए और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1955 में, फिल्म का नाम था देवदास। ये मूवी साल 1955 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें देवदास मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि देवदास मूवी का बजट 20 लाख रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम
1 करोड़ रुपए कमाई थी, वही इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 2 करोड़ 25 लाख रुपए। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि दिलीप कुमार साहब की ये साल 1955 की बहुत ही शानदार मूवी थी। तो दोस्तों ये रही दिलीप कुमार साहब की कुछ बड़ी फिल्में। तो इन सभी बड़ी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप भी दिलीप कुमार साहब को एक अच्छे और बेहतरीन नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें।